नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 0111-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाटा अल्ट्रोज और फोर्ड एस्पायर को कंपेयर करने वाले हैं। वैसे तो अल्ट्रोज को एस्पायर के साथ में कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेगमेंट के हिसाब से अल्ट्रोज को ह्युंडई i20 या फिर मारुति की बलेनो के साथ में कंपेयर करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ये कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों की प्राइस क्लैश करती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अल्ट्रोज के टॉप वेरिएंट की कीमत से लगभग 25,000 रुपये से लेकर 95,000 रुपये सस्ते में आपको एस्पायर का टॉप वेरिएंट मिल जाता है। शायद ही किसी ने इस पर गौर किया होगा। वैसे तो दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर में आती हैं, लेकिन दोनों के सेगमेंट अलग अलग है। एक प्रीमियम हैचबैक है तो दूसरी सेडान है। प्रीमियम हैचबैक के सेगमेंट में वैसे ही काफ़ी कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा कि क्या अल्ट्रोज से कम कीमत में कंज्यूमर्स के लिए कोई और भी बेहतर ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। क्योंकि आप सबको ऑलरेडी मालूम है कि इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट काफ़ी प्राइस सेंसिटिव है। लोग हमेशा कम कीमत में अच्छी चीज़ चाहते हैं। इसी प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से मैं ऑलरेडी अल्ट्रोज और नेक्सॉन के XM वेरिएंट की प्राइस क्लैश वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप लोगों ने काफ़ी सारा प्यार दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से उसे आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में मैं कुछ लॉजिकल खुलासे करूंगा और अंत में कंक्लूजन बताने से पहले हम दोनों की प्राइस क्लैश भी डिस्कस करेंगे, जिस वजह से आप ये फैसला कर पाएंगे कि आपको अल्ट्रोज लेनी चाहिए या फिर फोर्ड की एस्पायर। क्योंकि एक तरफ अल्ट्रोज है जो हाल ही में लॉन्च हुई है, एक प्रीमियम हैचबैक फ्रेश डिज़ाइन के साथ आती है, फीचर रिच कार है और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। वहीं दूसरी तरफ एस्पायर थोड़ी आउटडेटेड है, जिसे एक फेसलिफ्ट और अपग्रेड की ज़रूरत है। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें मिसिंग है, लेकिन हम इस चीज़ को कतई नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये अल्ट्रोज से ज़्यादा बड़ी है, बेहतर है और स्पेशियस कार है, बावजूद इसके कि दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस लगभग सेम हैं। इसमें आपको बूट स्पेस भी ज़्यादा मिलेगा। मुझे एस्पायर के इंटीरियर अल्ट्रोज से ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं, लेकिन खैर ये एक सब्जेक्टिव बात है। एस्पायर की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी स्ट्रांग है और ये भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लाने की काबिलियत रखती है। वहीं इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि एस्पायर के दोनों पेट्रोल और डीजल इंजिन अल्ट्रोज से काफ़ी सुपीरियर है, बेहतर रिफाइनमेंट ऑफर करते हैं, ज़्यादा पावर आउटपुट, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर राइड एंड हैंडलिंग और बेटर कंफर्ट भी आपको एस्पायर में मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको दोनों गाड़ियों के कॉमन फीचर्स बताऊंगा, हम इनके इंजिन्स को भी कंपेयर करेंगे, साथ ही साथ वो सारे फीचर्स भी बताऊंगा जो इन गाड़ियों में एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। इनकी प्राइस कैसे, कहां और कितनी क्लैश होती है, इस पर भी हम बात करेंगे और दोनों गाड़ियों की हर एक पहलू पर विस्तार से नज़र रखेंगे। तो क्या आपको लगता है कि अल्ट्रोज बेहतर है या एस्पायर बेहतर है? एस्पायर के मुकाबले अल्ट्रोज स्पेशियस और कंफर्टेबल है या नहीं? इन दोनों गाड़ियों में कितना प्राइस क्लैश है और क्या वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमें अल्ट्रोज की बजाय एस्पायर लेनी चाहिए? अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो चलिए जान लेते हैं उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में।
शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो अल्ट्रोज में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो कि 86 पीएस की पावर जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर और 113 एनएम का न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है 3300 आरपीएम पर। वहीं एस्पायर में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 96 पीएस की यानी कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है 6500 आरपीएम पर और 119 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 4250 आरपीएम पर। ये इंजन अल्ट्रो से ज़्यादा पावरफुल है, बेहतर परफॉर्मेंस देता है, बेहतर रिफाइनमेंट ऑफर करता है, साथ में ज़्यादा पीपी और पंची भी है। अब बात करते हैं डीजल इंजन की। तो अल्ट्रोज में आता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 90 पीएस की पावर जनरेट करता है 4000 आरपीएम पर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1250 से लेकर 3000 आरपीएम पर। वहीं एस्पायर में भी आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन आता है जो कि 100 पीएस की पावर जनरेट करता है 3750 आरपीएम पर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2500 आरपीएम पर। तो यहाँ पर भी एस्पायर क्लियर विनर है। इसका डीजल इंजन भी अल्ट्रो से ज़्यादा पावरफुल है, बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है और बेहतर रिफाइनमेंट ऑफर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोनों ही गाड़ियों की लेंथ, हाइट और व्हील बेस लगभग बराबर है, लेकिन अल्ट्रोज विड्थ में एस्पायर से 50 mm ज़्यादा बड़ी है। इसके बावजूद भी अल्ट्रोज में आपको केवल 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं एस्पायर में आपको 359 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। फिर से एक बार यहाँ पर एस्पायर भी बाजी मार ली जाती है। अब देखते हैं कि बिल्ड क्वालिटी में दोनों गाड़ियाँ कैसी है। तो कब वेट की अगर हम बात करें तो अल्ट्रोज का वज़न है 980 किलोग्राम से लेकर 1150 किलोग्राम तक, वहीं एस्पायर का वज़न है 1016 किलोग्राम से लेकर 1091 किलोग्राम तक। तो कुछ हद तक यहाँ अल्ट्रोज का पलड़ा भारी है और ये ऑलरेडी एनकैप क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लेकर आई है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ऐसे लगता है कि अगर फोर्ड एस्पायर को आज के हिसाब से अपडेट किया जाता है तो ये भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग्स लाने की काबिलियत रखती है, लेकिन फिलहाल अल्ट्रोज यहाँ पर क्लियर विनर साबित होती है। जहां तक ग्राउंड क्लियरेंस की बात है तो अल्ट्रोज में आपको 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वही 175 mm के साथ में एस्पायर यहां पर बेहतर साबित होती है। लेकिन टर्निंग रेडियस के मामले में दोनों ही गाड़ियां लगभग बराबर है, क्योंकि अल्ट्रोज में जहां आपको 5 मीटर का टर्निंग रेडियस मिलता है वहीं एस्पायर में आपको मामूली सा बेहतर 4.9 मीटर का टर्निंग रेडियस मिल जाता है। अब गौर करते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। तो अल्ट्रोज में आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, वहीं एस्पायर में आपको डीजल में 40 लीटर का और पेट्रोल में 42 लीटर का फ्यूल टैंक आता है। और यहां भी एस्पायर स्लाइटली बेहतर हो जाती है। और हमेशा की तरह साथ में माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रोज में आपको ऑफर किया जाता है 19 kmpl से लेकर 25 kmpl का कंबाइन माइलेज, वहीं एस्पायर आपको ऑफर करती है 18.5 kmpl से लेकर 24.5 kmpl का कंबाइन माइलेज। तो यहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगे हाथों व्हील्स पर भी बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रोज में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, वहीं एस्पायर में आपको 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि अब तक काफ़ी सारी चीज़ों में एस्पायर अल्ट्रोज से बेहतर साबित हुई है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स के बारे में और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से जो कि है इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर। उसके अलावा आपको दोनों गाड़ियों में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन अल्ट्रोज में आपको 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, एस्पायर में 15 इंचेस के मिलेंगे। दोनों गाड़ियाँ ABS एंड EBD के साथ में ड्यूअल एयरबैग्स के साथ आती है। रियर पार्किंग कैमरा एंड रियर पार्किंग सेंसर्स दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। पावर स्टीयरिंग अलॉन्ग विद टिल्ट का फीचर आपको मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में 7 इंच का टचस्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा अलॉन्ग विद ऑल बेसिक फीचर्स विद 4 स्पीकर्स। दोनों ही गाड़ियों में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, डे नाइट IRVM मिल जाएगा और दोनों ही गाड़ियों में आपको कनेक्टेड कार फीचर्स मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर तकरीबन ये 12-13 फीचर्स हैं जो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन आते हैं। चलिए अब आगे मुड़ते हैं और बात कर लेते हैं अल्ट्रोज में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको एस्पायर में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो इसमें आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRLs, रियर स्पॉयलर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, ड्यूअल टोन रूफ का ऑप्शन, 7-inch ड्राइवर MID, 15-liter का कूल ग्लव बॉक्स, आगे के दोनों डोर में अम्ब्रेला होल्डर्स, फ्रंट फॉग लैंप विद कॉर्नरिंग का फीचर अल्ट्रोज में आएगा, रियर वाइपर एंड वॉशर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, मल्टी वॉइस अलर्ट सच एज डोर ओपन, ड्राइव मोड सिलेक्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर और टेल गेट ओपन,
उसके बाद में अल्ट्रोज आपको ऑफर करेगी 90 डिग्री वाइड एंगल ओपनिंग डोर्स, मल्टी ड्राइव मोड्स जो कि है इको एंड सिटी, क्रूज कंट्रोल। अल्ट्रोज में आपको आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप का फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा, रियर एसी वेंट्स एंड रियर आर्मरेस्ट भी मिलता है, एंड द लास्ट इज स्मार्ट वॉच वेरिएबल की आपको अल्ट्रोज में मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये 20 फीचर्स हैं जो आपको अल्ट्रोज में मिलते हैं, वो एस्पायर में नहीं मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं एस्पायर में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको अल्ट्रोज में नहीं मिलते। वैसे गौर से देखा जाए तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो आपको अल्ट्रोज में मिल जाते हैं, वो एस्पायर में नहीं मिलते। लेकिन एस्पायर में कुल मिलाकर 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अल्ट्रोज में नहीं मिलेगी। सबसे पहले एस्पायर कम्स विद 6 एयरबैग, उसके बाद में पीस ऑफ माइंड के लिए एस्पायर कम्स विद 5 ईयर्स वारंटी, एंड द लास्ट इज एस्पायर में आपको फैक्ट्री फिटेड कंपनी CNG का ऑप्शन भी मिलता है 3 साल की वारंटी के साथ में। ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपको अल्ट्रोज में नहीं मिलते। यहाँ पर अगर हम दोनों ही गाड़ियों के फीचर्स को कंपेयर करें तो अल्ट्रोज यहाँ पर क्लियरली विनर साबित होती है। अल्ट्रोज एक फीचर रिच अप मार्केट और मॉडर्न एज कार यहाँ पर क्लियरली साबित हो जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं वारंटी के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है तो अल्ट्रोज में आपको मिलती है मात्र 2 साल या फिर 75,000 किलोमीटर्स की वारंटी, वहीं एस्पायर में आपको 5 साल की या फिर 1,00,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। यहाँ भी एस्पायर विनर साबित होती है। अब मुड़ते हैं इस वीडियो के सबसे अहम मुद्दे की ओर जो कि है दोनों गाड़ियों का प्राइस क्लैश। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्राइस मैं कोट करूँगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्ट्रोज के प्राइस की। तो पेट्रोल में अल्ट्रोज का टॉप मॉडल आपको मिलता है 7,69,000 रुपीज़ में, वहीं एस्पायर का पेट्रोल टॉप वेरिएंट आपको मिलेगा केवल 7,44,000 रुपीज़ में, जो कि अल्ट्रोज से 25,000 रुपये सस्ता आता है। वहीं डीजल में अल्ट्रोज का टॉप मॉडल आपको मिलता है 9,29,000 रुपये में और एस्पायर का टॉप मॉडल आएगा केवल 8,34,000 रुपये में, जो अल्ट्रोज से 95,000 रुपीज़ सस्ता आता है। अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि कैसे फोर्ड आपको कम कीमत पर एस्पायर ऑफर करती है लगभग 25,000 रुपये से लेकर 95,000 रुपये के प्राइस क्लैश में। अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्ट्रोज एक फ्रेश अप मार्केट मॉडर्न एज और फीचर रिच कार है, साथ में ये 5-star सेफ्टी रेटिंग के साथ भी आती है। अगर आप अल्ट्रोज के कुछ फीचर्स की कुर्बानी देते हैं तो एस्पायर में आपको कम कीमत में एक बड़ी बेहतर और स्पेशियस कार मिलती है, जिसके दोनों इंजिन्स अल्ट्रोज से बेटर रिफाइनमेंट, बेटर पावर आउटपुट, बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कम्फर्ट, बेटर राइड एंड हैंडलिंग और लगभग सेम माइलेज ऑफर करते हैं। एस्पायर की बिल्ड क्वालिटी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बूट स्पेस भी ज़्यादा ऑफर करती है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम इंटीरियर के साथ में आती है अलॉन्ग विथ लो मेंटेनेंस, और पीस ऑफ माइंड के लिए 5 साल की वारंटी के साथ आती है। टाटा की आफ्टर सेल सर्विस के काफ़ी वर्स्ट किस्से आपने सुने होंगे, वही शायद ही कोई कस्टमर होगा जो फोर्ड की सर्विस से खुश नहीं होगा। अब यह आपको तय करना है कि आप ज़्यादा फीचर वाली कार लेना चाहते हैं या फिर बड़ी कार लेना चाहते हैं। अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मैं आधी रात को आंख बंद करके एस्पायर ही लूँगा। अब आपकी बारी है, आपने क्या तय किया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।